तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है ये वीडियो में। आप देख रहे हैं हैशटैग टेक्निकल गेमर हैशटैग पार्थ। मेरा नाम है पार्थ। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। ये वीडियो टेक्नोलॉजी से अलग है। करंट अफेयर की बात है दोस्तों, इंडिया जो सिचुएशन से गुजर रहा है, कोरोना वायरस दोस्तों, जनता कर्फ्यू पॉजिटिव रहा। कुछ लोग थे जो घर से बाहर निकले, अब उन लोग कुछ कर नहीं सकते, उन्हें डंडे भी पड़े हैं। कुछ वीडियो आपको सामने देखने को मिलेगी। प्लीज़ आप सभी कोऑपरेट करिए इंडियन गवर्नमेंट की, उन्हें फॉलो करिए, सुनिए क्या बोल रहे हैं। कुछ दिन आप घर में रह लेंगे तो कुछ नहीं होगा दोस्तों। ये देखिए कैसे पूरी सिटीज सैनिटाइज कर रहा है इंडियन गवर्नमेंट, पूरा क्लीन कर रहा है। जनता कर्फ्यू हमें पॉजिटिव मिल चुका है काफ़ी हद तक। ऐसे कुछ टेस्ट किए जाते हैं कोरोना वायरस के, ये अबाउट 400 to 500 हो चुका है दोस्तों। इंडिया में 500 तक पहुंच चुका है। और दोस्तों मैं खुद महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ। महाराष्ट्र में दोस्तों 100, हाँ दोस्तों, पूरे 100 पॉजिटिव केस क्रॉस्ड हैं महाराष्ट्र में। ऐसे कुछ अरेंजमेंट की गई है कोरोना वायरस के लिए इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से या कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, और अंबानी ने भी रिलायंस की तरफ से कुछ 100 to 200 बेड्स का अरेंजमेंट किया है कोरोना पेशेंट्स के लिए। ऐसे डॉक्टर्स वर्क कर रहे हैं। कुछ ऐसे इंडियन गवर्नमेंट ने ट्रेन भी क्लीन की है, इसलिए पीएम ऑनरेबल पीएम नरेंद्र मोदी ने भी 5 बजे सभी को क्लैपिंग या कुछ थाली बजा के उनको एक, मतलब उनके लिए कुछ अच्छा उन्हें फील हो, इसलिए वैसा हमें करने के लिए बोला था। ये देखिए मुंबई पूरा आपको दिखेगा, यहाँ पे जनता कर्फ्यू की वजह से पूरा मुंबई खाली था, पर कुछ लोग तो है ही ऐसे जो बाहर निकलते। रात को 9 बजे के बाद जो लोग निकले ना, उनका क्या हो, ये देखिए सामने। तो ये देखिए ऐसा कुछ हाल हुआ, दंडों से पड़ी दोस्तों। सही बात है दोस्तों, पुलिस भी चिढ़ जाते हैं ना, मतलब इतना दिन भर आप काम कर रहे हो धूप में, लोग सुन नहीं रहे, पॉजिटिव वे में नहीं ले रहे दोस्तों। कुछ लोग अभी भी इसे सीरियस नहीं ले रहे हैं, कुछ लोग हैं पर बाकी तो सीरियस ही है इस इशू से। पर कुछ लोग समझ में नहीं आ रहा कि वो अपने घर के बाहर निकल रहे हैं, 2-3 दिन घर में रह लेंगे तो क्या होगा। तो दोस्तों आज पीएम नरेंद्र मोदी जी ने इंडिया को पूरा लॉकडाउन कर दिया है आज मिडनाइट से। दोस्तों अभी तो 12 बज ही चुके हैं, मिडनाइट हो चुकी है, अभी से इंडिया लॉकडाउन है दोस्तों। काफ़ी सिटीज़ के जो मेन रोड है, हाईवे है, उसे ब्लॉक कर दिया गया है ताकि व्हीकल्स ना आ पाए। पूरा इंडिया लॉकडाउन हो चुका है पूरे 21 दिनों के लिए दोस्तों। हाँ जी, 21 डेज़ का लॉकडाउन है टोटल 14 अप्रैल तक। जो स्कूल अप्रैल ओपनिंग थी वो सामने पोस्टपोन की कर दी है, और कुछ पेपर्स थे जो यूपीएससी के थे वो भी पोस्टपोन कर दिए गए हैं। ये देखिए पूरा इंडिया खाली आपको दिख रहा है, मुंबई की कुछ इमेजेस है, दिल्ली की इमेज है, पूरा खाली है जनता कर्फ्यू के वजह से। तो मेरी बस दोस्तों आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ घर से बाहर मत निकलो दोस्तों। इंडिया लॉकडाउन कर दिया है ऑनरेबल पीएम नरेंद्र मोदी जी ने, तो इसे एक पॉजिटिव वे में लो दोस्तों। कुछ दिन घर में रह लोगे तो कुछ नहीं होगा दोस्तों। 14 अप्रैल तक 21 डेज़ की बात है, मालूम है बहुत दिन होते हैं, पर दोस्तों अगर कोरोना को इंडिया से भगाना होगा, हमें फाइट करना होगा, तो हमें 21 दिन घर में ही रहना होगा। प्लीज़ डोंट गो आउटसाइड ऑफ योर होम दोस्तों। ये वीडियो 5-6 मिनट तक जा सकती है, क्योंकि ये हमारी एक कन्वर्सेशन है मेरे व्यूअर्स सब्सक्राइबर्स और मेरे साथ, ये कोरोना वायरस पे। दोस्तों प्रिकॉशंस क्या लेने हैं, हैंड वॉश कीजिए, सैनिटाइज़र यूज़ कीजिए, बार बार हैंड वॉश कीजिए, अपने हाथों को बिना हैंड वॉश किए नाक मुंह और आंखों पे ना लगाए, ये सबसे बड़ी बात है। क्राउड अवॉइड कीजिए, आप पूरे फिट हो, आपको सर्दी जुकाम नहीं है तो आपको मास्क पहनने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिसे सर्दी हो, जुकाम हो, बुखार हो, या वो कोरोना पॉजिटिव है या उसे होम क्वारंटाइन किया जाता है, उन्होंने ही मास्क पहनना चाहिए। वैसे तो अभी काम बंद ही हो गया है, पर जो लोग क्राउडेड एरिया में काम करते हैं वो भी ये मास्क पहन सकते हैं। मास्क यूज करें N95 मास्क दोस्तों। मतलब कुछ लोगों का समझता नहीं मुझे कि लोग क्यों बाहर निकलते हैं। कुछ पेशेंट्स हैं जो पॉजिटिव है या उन पे टेस्ट चल रही है, वो हॉस्पिटल में से भाग के जा रहे हैं। दोस्तों प्लीज़ कोऑपरेटिव करो, कुछ दिन घर पे रह लो यार, कुछ दिन घर पे।
प्लीज़ इंडिया लॉकडाउन को आप सीरियसली लो। कुछ दिन लोग अगर घर पे रहेंगे तो कुछ नहीं बिगड़ेगा और सब कुछ अच्छा हो जाएगा पहले की तरह। प्लीज़ फाइट अगेंस्ट इट। तो दोस्तों यहाँ पे मैं ये वीडियो एंड करूँगा। प्लीज़ कोऑपरेटिव करिए, बी सेफ, स्टे हेल्दी, बी एट होम, बाहर बिल्कुल मत जाओ दोस्तों। प्लीज़ दोस्तों बस कुछ दिन ही आपको घर पे रहना है। जब 21 दिन के बाद ये कोरोना वायरस पूरा ख़त्म हो गया तो पहले जैसा सब कुछ अच्छा हो जाएगा। दोस्तों आप सभी का धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए, मेरी कुछ व्यूज़ सुनने के लिए, आप सभी का शुक्रिया। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आता है तो लाइक कर दिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। वी विल फाइट अगेंस्ट कोरोना। वंदे मातरम।